साथी अध्यक्ष मंडल, साथी अमराराम जी, आज के कर्मी कंसन में बैठे तमाम साथी गण, मंच पर किसान सभा सीआईटू, महिला समिति के नेतागण और तमाम किसान नौजवान साथियों, 16 तारीख को सभा में आपके और हमारे द्वारा जो वचन कहे गए थे उन वचनों से पुलिस की बेइज्जती हो गई और बेइज्जती की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ कि आपने हमारी मानहानि कर दी। चलो, हमने मानहानि कर दी, आपकी बड़ी भारी गलती है, मान ली बात, पर आपने जो कल्याण सर्किल पर बच्चे के साथ किया था उसके बाद आपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में किया था, उसके बाद आपने जाट बोर्डिंग में किया था, उससे आपका मान बढ़ा या फिर हमारा मान बढ़ा? आपने जो काम किया उससे हमारा और आपका मान बढ़ा है क्या? अगर आपकी मान आने 28 तारीख से पहले किसी ने किए बताओ, तुम ये कहते हो साहब हमारे लिए आपने ये कह दिया इसलिए आप पर मुकदमा दर्ज करे, तो भाई आज ये कोर कर लियो। ये कोर कर लियो, ऐसे तो काम कल्याण सर्किल पर छोरी गया हाथ डाल के मैंने डंडा मारा क्योंकि छोरी के दबाने की कोशिश की, बस छोरी फेर मत करा। अरे जनता को दबाओ मत, और मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, डीजीपी से मिला हूँ, ये वो रिपोर्ट नहीं देने थी इन्होंने, मैं एक एक चीज मान के बता के हूँ ये बात है, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप फिक्र की जनता उठा देना न्याय करेंगे। अब कब करेंगे, वो तो उनकी जगह से आप तो बैठे ही हो न्याय के लिए बैठे। मैं तो बताया आपकी बात, यहाँ से पुलिस ने प्रशासन ने रिपोर्ट ये नहीं भेजी कि रिकाउंटिंग हुई नहीं कि इसलिए बच्चे प्रदर्शन करने जा रहे थे, ये तो अभी तक ये कह रही कि रिकाउंटिंग हो गई थी, आगे तो करे नहीं साहब, हमारे विधायक भी आ रहे थे, हमने राजस्थान के किसान की लड़ाई लड़ी, बीजेपी के राज में राजस्थान में किसान की लड़ाई लड़ी, ये मत भूलिए आप, जिधर मैं आपके हाथ छोड़ मिले साथ आपकी पार्टी के, और एक निर्दलीय ये राम अंडे की देन है, हम वोट में बदल नहीं पाए भीड़ को, तुम वोट ले रहे, ये मत भूलिए आप, ये मत भूलिए कि वसुंधरा जी सरकार को 8,000 करोड़ रुपए किसान को देने के लिए हाँ नहीं भरवाई थी, ये मत भूलिए उसी समय FIR बड़ी दर्ज हुई थी, अभी पड़े रहते इसी तरीके से, मैं उस वकील साहबान को कहना चाहता हूँ वो करा दे मुकदमा दर्ज और हम यही बैठे। अरे लोकतंत्र में जब जब गलत बात के खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन होगा जो जनता के पक्ष में बोलेगा, कल को वकील पीटे जाएंगे, कल को पत्रकार पीटे जाएंगे, कल को पुलिस से पुलिस खुद पीटी जाएगी, ये अराजकता का दौर नहीं चाहते हम, हमारी किसी SP से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारी किसी DYSP से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारी किसी दरोगा से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई मुद्दों आधारित लड़ाई, आपने बच्चों को पीट कैसे दिया हम ये बात कहना चाहते, हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक कार्य में आप घुस कैसे गए हम ये बात कहना चाहते, 2015 का मुकदमा था तो आपके महाराज जो पूर्व विधायक है उसको कहते आप पर मुकदमा है, आप आओ या पुलिस कभी जाती ये नोटिस देती कि आप पर गिरफ्तारी बैठी आप गिरफ्तार करेंगे आपको, ये छोड़िए बच्चों की बात को बहाना बना के तुम भाजपा के दफ्तर में घुस जाओगे और तुम जाट बोर्डिंग में घुस जाओगे और फिर राजस्थान की सरकार को गुमराह और करोगे, गुमराह करने का काम नहीं करे जिले का प्रशासन, गुमराह कोई नहीं हो, ये सोशल मीडिया का जमाना, इंटरनेट का जमाना, ये अखबारों का जमाना, और इस मुकाबले में मत रहिए कि तुम्हारी इज्जत तो इज्जत है और हमारी इज्जत इज्जत नहीं, हम इस देश के भी नागरिक हैं और हम किसान हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, हमारे हक के लिए लड़ते हैं, हमारी कमजोरी यह है कि हम दो नंबर का धंधा नहीं करते, हमारी कमजोरी यह है हम हमें शराब नहीं बेचते, हम तुम्हारे लाड़ में इस
तुम्हें रिश्वत लेते रहे, रिश्वत खोर कहते थे। ये हमारी प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम तुम्हें बीच बीच में कभी कभी उन प्रधान कह देते। ये प्रॉब्लम रहेगी मिटेगी नहीं। एफआईआर प्रैक्टिस में और कर लेना, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मेरे इलाके में सिंचाई में तुम्हें अधिकारियों को मैंने बिठा के दे दिया, चोरी हो रही है तुम्हारे सदस्य हो रही। अगले दिन सुबह फोन आया, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर दिया किसी ने, वो वीडियो लाखों लोगों में राजस्थान भर में पहुंच गया। अगले दिन फोन आया कि आपने इंचार्ज एक्शन की बेइज्जती कर दी, मुझे माना बेइज्जती हो गई उसकी, पर ये तो खेलती चल गई लोगों की। इसके निकम्मेपन की वजह से उसकी भरपाई कौन करे, कौन करेगा? तो जवाब सब जवाब नहीं, मैं बताऊं किसानों नौजवानों, ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा जनता का सरकार की नीतियों से और उससे ज्यादा आज की मौजूदा परिस्थितियां ये हैं कि सरकारी विभागों में आदमी बचे नहीं, बजट बचे नहीं, चीजें पूरी नहीं होती, जनता खड़ी हो रही है, ये दबाना चाहते हैं। दबेगा कोई नहीं, चीजों को समझो, सही को सही, गलत को गलत करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस बात का उलाना नहीं दिया कि आपने हमारे पर एफआईआर कैसे कर ली, मैं इस बात का उलाना देते आया हूं कि आपने कल्याण सर्किल पर हमारी बच्चों को पीट कैसे लिया, आपने 86 लोगों को पकड़ कैसे लिया, और आपने जांच बोर्डिंग में और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में पुलिस या हमला कैसे कर दिया। और मैं आज एसपी साहब को फिर कहना चाहता हूं, अगर आपको यह लगे कि आपकी बेइज्जती हुई, तो खाटू श्याम जी में 4 दिन पहले कार बदमाश पकड़ ले गए, मैंने 4 घंटे बाद मेरे इलाके का था वो आदमी जिसकी कार चोरी हुई, चोरी नहीं उसको पटके गए, कार से कार लूटी गई, 4 घंटे तक वहां एसपी नहीं पूछा था। तो सीपीएम के ऑफिस में क्या मिला था एसपी साहब, जो आप अथवा था ये सवाल है, इन सवालों को कोई रोक नहीं सकता। मैं नहीं उठाऊंगा, कोई और उठाएगा, कोई और उठाएगा। आप इन सवालों को मत दबाइए, आप इन सवालों के जवाब बढ़ाइए, और जवाब ऐसे बढ़ाइए तो जवाब जनता को अच्छे लगे। अरे पुलिस का नारा कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में खोफ, आप आम जन में खोफ पैदा मत कीजिए। यहाँ की जल से रहने वाले लोग, हो सकता है कि वो गुस्से में मुंह से ऊट पटांग बोल जाए, पर यहाँ आने वाले लोगों पर आपकी कलम से परिवादी आपने खुद बन के एफआईआर दर्ज कर दी हो तो अलग बात है, पर यहाँ बने लोगों पर कभी कभी दूसरे आदमी ने मुझे पता दर्ज कर दिया। हमारी लड़ाई तो सरकार से है, सरकार की नीतियों से है, इसलिए हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी। हम सुनाएंगे। मैं साथियों से कहना चाहता हूं कि आपका कर्मी कमीशन जारी रहे, आप आमरण की जरूरत मत समझना। मुझे पता है सीखे के बाजू जनता पर एक एक लोग भटेंगे, तो कुछ लोग हैं जो विरोध करें, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये बात माना, बच्चों के साथ गलत हुआ, उसके बाद सीपीएम के ऑफिस पर गलत हुआ, चाहे हमारे विधायक नहीं जीते हो, लेकिन बिजली का बिल जिस दिन घर में आता है पूरे की बिजली का बिल, उस दिन हम कभी हारते नहीं, हम रोज जीतते हैं। हर घर में हमारे हिस्से की खुशियां हैं, हर घर में हमारे हिस्से का नाम है, हर घर में लाल झंडे के प्रति प्यार है, हर घर में जिस घर में कर्ज माफी का पैसा आया था
हर घर ये चाहता है कि लोग आगे बढ़े, हर कोई चाहता है लाल झंडे का दफ्तर रहे, हर कोई दबी जुबान से तीसरा अफसर भी कहता है इंडिस्पेंसिबल ऑपोजिशन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विरोध जरूरी है और विरोध करने का काम लाल झंडा दिखने से हम इतने सीधे और सरल लोग माइक में से कह देते अपनी सारी भाप निकाल देते। हम इतने पीटे गए आंदोलनों में, कभी भी कभी किसी अफसर के खिलाफ व्यक्तिगत नोटिस नहीं रखी, और आपने जिस तरीके से व्यक्तिगत टारगेट करके हमारे साथियों पर हाथ उठाने की कोशिश किए, और आप उच्च अधिकारियों को ये कह रहे हो कि साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, बाटे उन्होंने फेंके। अरे कोई फायदा बाटे नहीं फेंके किसी ने, बाटे फेंकते हम तो 28 से पहले फेंकते, उससे पहले फेंकते। अरे 13 दिन का आंदोलन इस धरती का गवाह था 2017 का, जो हिंदुस्तान के किसानों की राजनीति को बदल के रख दिया था। वो किसान जो आत्महत्या करते थे वो इकट्ठे होकर के शीतल का नाम और राजस्थान का नाम लेने लग रहे थे। हमारा लक्ष्य किसी पर भाग्य फैसला नहीं, हमारा लक्ष्य हम लोगों की एकजुटता करते हुए जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। हमें कोई साजिश का शिकार नहीं कर सकता, साजिश का शिकार करने का प्रयास कोई नहीं करे। मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वस्त किया कि हम आपके जांच करके समुचित कदम उठाएंगे। साथियों तब तक आपका आंदोलन जारी रहे, मैं आपके विधायक दल का नेता होने के नाते आपकी बात वहां तक पहुंचाने की और आपके रिपोर्ट करने की बात आपके बीच कर रहा हूं। मैं साथी अमराराम से और तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश में जहां जहां भी आप आवाज लगाएंगे जनता को एकजुट करने के लिए, हमारे एक एक उम्मीद एक एक पल जनता के बीच हम खर्च करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।